नमस्कार, अभिनंदन, सुस्वागत एक बार पुनः आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वंस मोर और जिसका सीजन टू लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मित्रों, जिस देश में हमने जन्म लिया है वो मातृभूमि हमें अपने प्राणों से भी प्यारी है। इस पर हमारा सब कुछ न्यौछावर है, क्योंकि इसने हमें अन्न दिया है, इसने हमको जल दिया है और सबसे अधिक इसने हमारा पोषण भी किया है। हम अपनी मातृभूमि से अलग कहीं भी रहें, चाहे विदेश ही क्यों ना चले जाएं, वहाँ कितना भी सुख क्यों ना मिले, लेकिन असीम सुख, परम सुख अपनी जन्मभूमि में आकर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो देश प्रेम की भावना से पूर्ण व्यक्ति ही देश की उन्नति में सहायक होते हैं। और किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति देश की सभी संस्थाओं में स्वाभाविक रूप से उनको प्रेम करता है, देश के रीति रिवाजों से प्रेम करता है, देश में उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं के प्रति स्नेह दिखाता है, देश की वेशभूषा को अपनाता है और देश की भाषा की उन्नति करता है, वस्तुतः वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। इसी भावना को मूल मंत्र मानते हुए दूरदर्शन परिवार पुनः लाया है कविता और शायरी का वो शो जो आप सबको बहुत पसंद है, बहुत लोकप्रिय है। तो आज उसके सीजन टू का आरंभ हो रहा है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो आइए अब बुलाते हैं उन 5 कवियों को जो प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं और यहाँ आकर अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं बाराबंकी के जगदीप अंचल को। जगदीप अंचल के बाद मैं आवाज दे रहा हूं इटावा के देश प्रेम के जाने माने कवि गौरव चौहान को। और अब हमारे बीच आ रहे हैं सीतापुर के रजनीश मिश्र। वंस मोर के सीजन 2 में आज की पहली कवित्री हैं व्यंजना शुक्ला। और आज के हमारे 5वें कवि, आज के इस रियलिटी शो वंस मोर के वरिष्ठतम कवि, जो लोक रस के जाने माने कवि हैं, अवधि की मीठी बोली और बानी लेकर हमारे बीच आए हैं सीतापुर के कमलेश मौर्य मृदु जी। तो भाई कवि बैठ चुके हैं, उनके बैठने का क्रम पूरा हो चुका है। कवि बैठे हैं बाएं से दाएं की ओर, बैठने का क्रम पूरा हुआ और आप कहते रहिए वंस मोर। तो आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी को। कृपया यहां पर आएं और आगंतुकों का स्वागत करें। रमा अरुण त्रिवेदी। धन्यवाद आत्मप्रकाश मिश्र जी, नमस्कार। दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बेहद गर्व और खुशी का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वंस मोर कविताओं के लोकप्रिय कार्यक्रम का सीजन 2 आरंभ हो रहा है। आज कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि श्री हृदय नारायण दीक्षित अध्यक्ष विधानसभा, हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, जो स्वयं एक अच्छे लेखक भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण, अतिथिगण कविगण का भी हृदय से अभिनंदन। दूरदर्शन लखनऊ का DDUP चैनल 24 घंटे का प्रसारण करता है, जिसमें शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का समावेश तो है ही, इसके साथ ही केंद्र सरकार की देश हित में चलाई जा रही योजनाओं को हम लगभग सभी श्रेणी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। और अंत में चंद्रसेन विराट की एक छोटी सी कविता से आज के इस भाव को मैं प्रकट करना चाहूँगी। वंदन मेरे देश तेरा, वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन आराधन अभिनंदन मेरे देश, तुझसे पाई माँ की ममता और पिता का प्यार, तेरे अन्न हवा पानी से देह हुई तैयार, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है चंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश तेरा, वंदन मेरे देश। भिन्न भिन्न भाषाएं भूषा, यद्यपि धर्म अनेक, किंतु सभी भारतवासी हैं सच्चे दिल से एक, तुझ पर बलि है हृदय हृदय स्पंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश तेरा, वंदन मेरे देश।
आपने सभी अतिथियों का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी केंद्राध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल को। परम आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित साहब, भाई आत्म प्रकाश, हमारे सभी कविगण, देश के अंदर बसा हुआ देश हमारा उत्तर प्रदेश, 900 से ऊपर शहर, 1,00,000 से ऊपर गांव, और उनकी सेवा में सतत प्रयत्नशील हमारा ये दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के 8 और दूरदर्शन केंद्र, 17 HPT और 48 LPT, जिसके माध्यम से हम जनता को अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ जो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पिछले 5 दशकों से चला आ रहा है कि दूरदर्शन के केंद्र कला और कलाकारों की नर्सरी भी हैं। दूर दूर से, दूर दूर सुदूर बसे हुए जितने भी कलाकार कवि हैं, वो हमारे चाहे रेडियो के केंद्र हों चाहे दूरदर्शन के केंद्र हों, वहीं से लॉन्चिंग पैड पाते हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों का, हमारे जो और केंद्र हैं उनका मैं आह्वान करूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये शपथ लें कि जो हमारी नई तकनीक है, डिजिटलाइजेशन है, इसको हम और आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। मौका स्वतंत्रता दिवस का है तो इसी उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी रचना आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत। न्यू इंडिया नाम से मेरी रचना है। वही धरा वही गगन, वही जमी वही है जन, नया नया सजोश है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, वही है जन वही है मन, नहीं जाति नहीं धर्म, नई नई सी है उमंग, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, वही हरित वही धवल, वही हरित वही धवल, वही माटी वही फसल, दो गुने की सोच है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, वही गली अच्छा अच्छा वही गली वही शहर, मिले सभी को अपना घर, नई नई सी सोच है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, वही है पग वही सहन, वही है पग वही सहन, वही है गांव हुए रोशन, सौभाग्य अब विशेष है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, वही गली वही शहर, वही गली वही शहर, उठी है एक नई लहर, स्वच्छ भारत अब विशेष है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, खुशी है माँ खुशी है माँ, सुखी बहन, नहीं धुआं नहीं जलन, यह उज्ज्वला विशेष है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, बने डिजिटल बने कुशल, बने डिजिटल बने कुशल, मिले गति बने सफल, दिलों में यह विशेष है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, मिटे समूल काला धन, मिटे समूल काला धन, बढ़े वतन बढ़े जन जन, साफ नीयत अब विशेष है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, मिले सभी जुले सभी, दिलों से दिल जुड़े सभी, यह भारत एक व श्रेष्ठ है, उठो चलो बढ़ो सभी, न्यू इंडिया उद्घोष है, जय हिंद। प्रेम प्रकाश शुक्ल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और भाई अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को अत्यंत विनम्रता पूर्वक आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करने का। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखर विचारक, लेखक, वक्ता और उद्भट विद्वान श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, जिनके हृदय में स्वयं नारायण वास करते हों और जो स्वयं नारायण द्वारा दीक्षित हों, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया आशीर्वचन के लिए पधारें और उसके बाद अपना स्थान यहाँ मंच पर ग्रहण करें। दूरदर्शन केंद्र के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे
श्रीमान आत्मप्रकाश जी, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज वंस मोर आयोजन के लिए बुलाया गया है। ऐसे कभी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए इस अवसर पर मुख्य अतिथि होने के नाते दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो यही है कि मुख्य अतिथि बनकर आना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बड़े आनंद का विषय होता है। मैं इस केंद्र पर पहले भी आता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, फिर मुख्य प्रवक्ता के रूप में, फिर भिन्न भिन्न विषयों पर होने वाले डिस्कशन के प्रतिभागी के रूप में आता रहा हूँ। और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम भी मैंने पहले देखे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। मन ही मन बैठे मैं सोचा करता था कि मैं मुख्य अतिथि होता तो कितना अच्छा होता। राष्ट्रभक्ति से जुड़ी कई बातें और कविता के तमाम अंश अभी यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं, उनमें स्वाभाविक ही आनंद आया है। भारतीय राष्ट्रभाव का जन्म और भारतीय राष्ट्रभाव का विस्तार, यह कवियों के माध्यम से ही भारत में हुआ है। दुनिया के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का विचार इसी प्रकार हुआ है, लेकिन जिस तरह भारत में राष्ट्रभाव का विचार, विस्तार, प्रभाव, संवर्धन हमारे कवियों ने बनाया है, रचा है, ऐसा दुनिया के अन्य देशों में नहीं मिलता। यूरोप के देशों में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना का इतिहास 13वीं शताब्दी के पहले नहीं मिलता। भिन्न भिन्न भूखंडों में विशेष प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के कारण लोगों में एक विशेष प्रकार की राज्य व्यवस्था के निर्माण की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी, और मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसे प्रयास सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में दिखाई पड़ते हैं। यूरोप में यह विचार भूमि, जन और राज्य व्यवस्था, इन तीनों के मिलन से बना था। भूमि के प्रति प्रीति, यह विचार इटली में दांते जैसे कवियों ने ही पहले रखा था, लेकिन भारत के राष्ट्रभाव के विस्तार, विचार, संवर्धन और प्रवाह, इसमें शुद्ध रूप से कवियों की ही भूमिका है। मैं इसको रेखांकित करूंगा, कवियों की ही। भारतीय राष्ट्रभाव की प्रथम किरण या प्रथम सूर्योदय या उसका ऊषा काल, इसके दर्शन दुनिया के प्राचीनतम ज्ञान साक्ष्य, काव्य साक्ष्य ऋग्वेद में दिखाई पड़ते हैं। और ऋग्वेद के कवि बार बार नदियों की चर्चा करते हैं, और जिन नदियों की चर्चा करते हैं उनके प्रति वह मातृभाव व्यक्त करते हैं। नदियों को माता जानने, नदियों को माता कहने और नदियों को ठीक से माता ही समझने की अनुभूति, यह वैदिक काल के कवियों की देन है। किसी राजा की, किसी राज व्यवस्था की, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की देन यह नहीं है। पहले नदियों के प्रति माँ जैसा भाव, फिर धरती के प्रति माँ जैसा भाव, फिर आकाश के प्रति पिता का भाव, फिर वनस्पतियों में दिव्य और देवता का भाव, इस प्रकार के सारे भाव भारत में वैदिक पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने, वैदिक कवियों ने ही रखे थे। और इस भाव का प्रचार, इस भाव का विस्तार लगातार हुआ। मैं अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए केवल एक उदाहरण दूंगा। अथर्ववेद में कवि अथर्वा की लिखी लंबी कविता संग्रहित है। एक कविता भूमि सूक्त के नाम से विख्यात है। अथर्वा की इस कविता के बारे में अमेरिकी विद्वान ब्लूम फील्ड ने बहुत सुंदर टिप्पणियां की हैं और कहा है कि यह दुनिया की कविताओं में श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। अथर्वा पृथ्वी की आराधना करते हैं, बहुत सुंदर कविता है, मैं संस्कृत में उसे उद्धृत नहीं करूंगा।
पृथ्वी की आराधना में कहते हैं, हे माता, आप हमको जल देती हैं, आप हमको पोषण देती हैं, आप हमको बेटे की तरह संरक्षण देती हैं। हे माता, हम लेटते हैं करवट बदलते हुए, हमारे पैर आपको लग जाते होंगे, हे माता हमको क्षमा कर दे। अथर्वा आगे कहते हैं, हे माता, हमारे घर यज्ञ, कर्मकांड, विवाह जैसे मंगल काम होते हैं, हम उसके लिए यज्ञशाला बनाते हैं, अतिथियों के लिए लकड़ी का घास फूस का स्थान बनाते हैं, हम आपको खोदते हैं, आपके मर्मस्थल को चोट लगती होगी, हे माता आप मुझे क्षमा करना, मैं फिर से आपके शरीर को खोदे हुए स्थान को मैं फिर से भर दूंगा। धरती को जीवंत मानना, पशु पक्षी को प्राणवान और अपना ही अंश जानना, पूरी प्रकृति के साथ एकात्मक भाव रहना रखना, और फिर धरती ही नहीं, सूर्य चांद तारे आकाश, आकाश से भी परे कोई अगर सत्ता दुनिया में हो सकती है, जिसे ऋग्वेद का ऋषि परम व्योम कहता है, ऋषि कवि परम व्योम कहता है, और उसे परम व्योम नाम देते हुए ऋषि एक बात और बताता है, जो हमारी कविता के लिए, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, मैं कविता की समझ नहीं रखता, मेरे लिए बड़ी मूल्यवान दिखाई पड़ती है, जब ऋग्वेद का ऋषि अथर्ववेद के भी पहले बताता है, ऋचो अक्षरे परम व्योमन, एक कल्पना है उसकी कि आकाश है, आकाश से भी परे कोई चीज है और उसका नाम वो परम व्योम बताता है, और फिर कहता है ऋचो अक्षरे, ऋचा माने कविता, ऋचा माने मंत्र, यह कविता जो हम आप सुनते पढ़ते गाते लिखते पढ़ते हैं, एक कविता, एक कविता ऋग्वेद के ऋषि की कविता, थोड़ा फर्क किया, श्रद्धा बस किया या जानकारी बस किया हमारे पूर्वजों ने, फर्क यह किया कि ऋचा ऐसी कविता जो प्राणवान है, ऋचा ऐसा गीत जो स्वयं में स्पंदित होता है, जो स्वयं में अनेक अवयव लेकर चलता है, जिसकी काया केवल काया नहीं है, जिसका प्राण, जिसका जीवंत प्रकृति हमको स्पंदित करती है, ऐसी कविता, और भी इसमें जोड़ा घटाया जा सकता है। तो वो कहता है ऋचो अक्षरे परम व्योमन, ऋचा परम व्योम में रहती है। आगे बताता है कि वहीं देवता भी रहते हैं। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ ऋचा रहती है, जहाँ कविता रहती है, वहीं पर देवता भी रहते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी पंक्ति है इस कविता की, इस मंत्र की, वो और भी रोचक है। वो कहता है लेकिन ऋचा इस धरती पर जागृत बोध वालों के चित्त में उतरने को उतावली है। तो कविता जाना चाहती उनके पास जो जागृत बोध वाले लोग हैं, देवताओं के पास तो रहती, उसका स्थाई पता तो देवताओं के पास रहने का है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता, ये ऐसा मैं सोच रहा था। तो ऐसे ही कविता अपने देश की, और यह कविता इसने भारत के भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में बटे और बहुत बड़े भूखंड में, यहाँ कहीं बाढ़ आती है तो वहाँ सूखा, यहाँ भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं दूसरे क्षेत्र में दूसरी प्रकार की, यहाँ सूरज दूसरी तरह से तपते हैं, आते हैं, सहलाते हैं, प्रीति देते हैं, प्यार देते हैं, आशीष देते हैं, संवर्धन करते हैं हम सबका, किसी दूसरे भूखंड में, नागालैंड में, असम में और दूसरे क्षेत्रों में हम जाते हैं, मेघालय में जहाँ मेघ बहुत धरती तक नीचे तक आ जाते हैं हालचाल लेने, ऐसा जान पड़ता है कि मेघ ऊपर से चले, पर्जन्य से उन्होंने अनुमति ली होगी, पर्जन्य देवता वर्षा के, और फिर वाये नीचे तक हालचाल लेते हुए, ऐसे क्षेत्र, एक क्षेत्र हमारा जहाँ हमारा आपका जन्म हुआ, जहाँ काम करने का अवसर आया, इस पूरे क्षेत्र को समझने का काम, और एक ही बांसुरी में जैसे तमाम छेद होते हैं और उसके सिद्धहस्त बजाने वाले जानते हैं कि किस छेद पर उंगली रखने से सड़ज, और किस पर उंगली रखने से ऋषभ, और किस पर उंगली रखने से गांधार, अथवा किस पर मिला देंगे तो राग और रागिनियां आपस में हलचल करने लगेंगी और राष्ट्रभाव बढ़ेगा। ऐसा काम लगातार लगातार हमारे कवियों ने किया है, और
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे कालखंड में होने का, हम सबके बीच रहने का, संवाद करने का, दर्शन करने का अवसर मिला। यह कालखंड जिसमें बहुत ढेर सारे महान कवि मनीषी, उनकी हमारे पास परंपरा और संपदा है, और ढेर सारे आधुनिक काल के तरुण जो उस सृजन से प्रेरणा लेकर, जिनके भीतर नया सृजन पैदा हो रहा है गीत का, जिनके भीतर नया सृजन उग रहा है अनुभूति का, जिनके भीतर तमाम नई संभावनाएं, उनकी कोंपलें खिली नहीं पूरी, ऐसे अपनी आगे की पीढ़ी का, उनके दोनों के बीच, तीनों के बीच मुझे यहाँ खड़े होने का अवसर मिला है। मैं समय की महत्ता से परिचित हूँ, इसलिए आप सबका ज़्यादा समय लेना ये उचित नहीं मानता। मैं बैठूँगा जब आपका कार्यक्रम चलेगा। मैं तो इस शीर्षक के लिए दूरदर्शन को बधाई देता हूँ, और हमारा मन है कि जैसे कवियों के लिए आप वंस मोर कहते हैं, तो हमको मुख्य अतिथि बनाने के लिए भी एक बार वंस मोर कहते हैं। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आपने अपनी ओजस्वी वाणी से और सार गर्भित व्याख्यान से हम सबका दिल जीत लिया, और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपकी आज्ञा से अब आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आज के इस वंस मोर के कवि को मैं बुला रहा हूँ, जो बाराबंकी से हमारे बीच पधारे हैं, जिनका नाम है जगदीप अंचल। तो उन्हीं की चार पंक्तियों के साथ मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं कि कर्मयोगी कर्म करने से कभी डरते नहीं हैं, कर्मयोगी कर्म करने से कभी डरते नहीं हैं, सुख मिले इसके लिए वो याचना करते नहीं हैं, हर चुनौती को सहज स्वीकारते जो लोग अंचल, वो कभी इस जिंदगी की जंग में मरते नहीं। जगदीप, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और बाराबंकी से आया हूं, किसान का बेटा हूं, एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत। सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की, सृजन के अक्षरों में मूर्ति गढ़ती है विधाता की, मूर्ति में छवि निखरती है हमारी राष्ट्र माता की, हो कोई पंथ या की पूजने की हो विधा कोई, हमारे भाव करते वंदना है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, हमारे भाव करते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और पंथ और धर्म की बात पूरे देश में समय समय पर की जाती है, हमारा धर्म क्या है बता देना चाहता हूँ कि धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारती माता है, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारती माता है, राष्ट्र गीत का गायन रग रग में नौ जोश जगाता है, वो जाति धर्म में देश बांटने वाले मेरी बात सुने, इस माटी का बच्चा बच्चा भारत भाग्य विधाता है। बहुत बढ़िया जगदीप, बहुत अच्छा, इस माटी का बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भाग्य विधाता है, इस माटी का बच्चा बच्चा। और तिरंगा और वंदे मातरम पे सवाल उठते हैं, तिरंगे का स्वरूप रखता हूँ, क्या है तिरंगा, केसर की क्यारियां है स्वाभिमान का प्रतीक, इसीलिए केसर का रंग है तिरंगे में, भेद को मिटाने शांति लाने को है प्रतिबद्ध, श्वेत रंग समता का संग है तिरंगे में, सुख समृद्धि खुशहाली और हरियाली, मुस्कान लाने का भी ढंग है तिरंगे में, वो काल गति और परिवर्तन का सूचक जो अंचल वो चक्र की उमंग है तिरंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जगदीप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम का स्वरूप रखता हूँ, सुनिएगा, करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम, चंदन की शीतल सुगंध से है परिपूर्ण, चित्त को लुभाता है ललाम वंदे मातरम, करने से गान जिसके मिले अपार शांति, हिंदवासियों का चारो धाम वंदे मातरम, हिंदवासियों का चारो धाम वंदे मातरम, वो सैनिकों की शक्ति व पराक्रम का है प्रतीक, जननी को पुत्र का प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगदीप। और वंदे मातरम क्या है,
माँ समान ममता का रखता अमूल्य कोष, स्नेह भरे करे ना निराश वंदे मातरम, भूखे नंगे बेघरों का अन्न वस्त्र घर यही, पीड़ितों की एकमात्र आस वंदे मातरम, श्वेत श्याम ऊंच नीच का नरंच माने भेद, अंतर मिटाता रहे पास वंदे मातरम, ओ अंचल जो भारतीयता का परिचायक है, नायक है, देश का विकास वंदे मातरम। सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान, सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान है पवित्र गंग के समान, वंदे मातरम। अंक में सहस्त्र बलिदानियों की गाथा लिए, त्याग शौर्य तेज का प्रमाण वंदे मातरम, विश्व बंधुता की भावना का यही मूल स्रोत है हमारी आन बान शान वंदे मातरम, है हमारी आन बान शान वंदे मातरम, वेद की ऋचाएं उपनिषदों का ज्ञान, ध्यान सार तत्व गीता का महान वंदे मातरम। ऐसा हमारे देश का वंदे मातरम है, और वंदे मातरम को तब नकार दें अगर ये चीज शामिल ना हो वंदे मातरम में कि हिंदू और सिख जहां मुस्लिम हुआ ईसाई, हिंदू और सिख जहां मुस्लिम हुआ ईसाई एक सूत्र में हो वही माला वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। कि हिंदू और सिख जहां मुस्लिम हुआ ईसाई एक सूत्र में हो वही माला वंदे मातरम, वेद ग्रंथ बाइबिल हुआ कुरान है समान, बना एकता की पाठशाला वंदे मातरम, कहीं चर्च मस्जिद तो कहीं गुरुद्वारा, और कहीं बना हुआ है शिवाला वंदे मातरम, ओ पंथ निरपेक्ष और संविधान सम्मत है राष्ट्र गीत अपना निराला। बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया, जाति के समूहों में विभक्त हो गए जो उन्हें, अब एक रस पागने का वक्त हो गया, अलगाववादियों को साफ साफ दो संदेश, ढूंढ ले ठिकाना भागने का वक्त हो गया, अलगाववादियों को साफ साफ दो संदेश, ढूंढ ले ठिकाना भागने का वक्त हो गया, वो संकट के घाले घन घोर घन छाए हुए, जागो नौजवान जागने का वक्त। बहुत बढ़िया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है कि तिरंगा ही हमारी शान है पहचान लिख देना, तिरंगा ही हमारी शान है पहचान लिख देना, घोष जय हिंद का कर नाम हिंदुस्तान लिख देना, तिरंगा ही हमारी शान है पहचान लिख देना, घोष जय हिंद का कर नाम हिंदुस्तान लिख देना, वो करोड़ों वीर पलते आज भी हैं माँ के अंचल में, मरूं यह देश से तो फिर उसे बलिदान लिख दे। बहुत अच्छा जगदीप, बहुत अच्छा जगदीप, बहुत बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल बोले वंस मोर, वंस मोर। भाई ये थे बाराबंकी से हमारे बीच पधारे शब्दों के जादूगर जगदीप अंचल, मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई। अब वक्त है एक ऐसे शख्स को यहां पर बुलाने का जो पिछले कई वर्षों से देश को गौरव गाथाएं सुना रहा है, जिसकी छोटी छोटी रचनाएं, कभी मझोली रचनाएं व्हाट्सएप पर बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, पूरे देश का सफर कर रही हैं, तो मैं ओजस्वी स्वर जो इटावा से पधारा है उसको आवाज दे रहा हूं उसी की चार पंक्तियों के साथ, कि सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरा जीवन दाता है, सिर्फ नहीं टुकड़ा जमीन का मेरा जीवन दाता है, कंकर से शंकर तक इसका मुझसे गहरा नाता है, यही धर्म है यही जाति है रंग रूप सब है इसका, मैं हूं इसका लाल और ये मेरी भारत माता है। मैं आवाज दे रहा हूं गौरव चौहान। आप सभी को प्रणाम करता हूं, स्वतंत्र दिवस की सभी को बधाई देता हूं, माननीय अध्यक्ष जी बैठे उनको प्रणाम करता हूं, सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं। जिस स्वतंत्रता दिवस पर हम खड़े हैं और ये आजादी जिन्होंने दी है, मैं चार पंक्तियां वहां से उठाता हूं, ये कौन सी मोहब्बत थी सुनिएगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा, और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो, लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा, लिखा जो शब्द जाएगा। जब ये प्यार मोहब्बत दिल में होती है तब देश की युवा पीढ़ी
एक शंखनाद करती है और कहती है, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, कि दुश्मन देश के मिलकर लगा ले जोर कितना भी, कि दुश्मन देश के मिलकर लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है, इसी बलिदानी परंपरा के नाम उन देश के सेनानियों को याद करता हूं, और ये सेनानी इनकी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका परिणाम है ये हमारी पावन आजादी। आइए हम उनको भी याद करते हैं। स्वागत गौरव, स्वागत। रोम रोम जिनका भारत की महिमा गाया करता है, रोम रोम जिनका भारत की महिमा गाया करता है, जो सीमा पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सीने पर आज तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, कतरा कतरा देने वाले, कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को, सच्चे हिंदुस्तानी को सौ सौ बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को, सौ सौ बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। ये सेनानी कैसे होते थे? बहुत बढ़िया। हम पिछले इतिहास में जाएं कि पीढ़ियों से स्वाभिमान की रवानी ऐसी रही, दुनिया के लोग भी निशानी मांगने लगे, और बलिदान कैसे हुआ जाता है वतन पर, ज्ञान दान बड़े बड़े दानी मांगने लगे, बड़े बड़े बलशाली देख के हमारा बल हाथ को पसार के जवानी मांगने लगे, और पोरस की पोर पोर इतनी लड़ी कि खुद सूरमा सिकंदर भी पानी मांगने लगे, सूरमा सिकंदर भी पानी मांगने लगे। सतलज की धाराएं, सतलज की धाराओं में जिनकी खुददारी बहती है, सिंधु स्वयं सदियों से जिनकी अमर कथाएं कहती हैं, दुश्मन पार नहीं कर पाया झेलम वाले पानी को, सौ सौ बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को, सौ सौ बार सलामी। और भारत के सेनानी होते कैसे और कैसे होते रहे, अध्यक्ष जी सुनिएगा। बुद्धि बल साहस व शौर्य की गवाही रहा, दहशत गर्दी वाले धंधों से डरा नहीं, देश का सिपाही तो सदैव ही सचेत रहा, हुड़दंगी और मतिमंदों से डरा नहीं, शेखर अकेला भिड़ गया था फिरंगियों से, शेखर अकेला भिड़ गया था फिरंगियों से, अपनों के किए छल छंदों से डरा नहीं, और बहरों के कान पे धमाका करके भगत लंदन के फांसी वाले फंदों से डरा नहीं, कभी किसी दुश्मन के आगे, कभी किसी दुश्मन के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया, खुद की लाश बिछा दी लेकिन भारत मिटने नहीं दिया, फटने नहीं दिया माता की पावन चूनर धानी को, सौ सौ बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। और अंतिम ये परंपरा आज तक चली आई है, और मैं कहां छोड़ता हूं, लखनऊ की जमीन पर खड़ा हूं, एक सितारे का नाम लूंगा, आपकी तालियां और समर्थन बताएंगे कि आप इस देश को और इस देश के सैनिकों को कितना प्यार करते हैं। एक एक सैनिक जहां है सौ सौ के समान, विश्व की महानतम फौज वाला देश है, सिर पे कफन बांध सेना गई सीमा पार, सर्जिकल स्ट्राइक, सिर पे कफन बांध सेना गई सीमा पार, कायर आतंकियों की खोज वाला देश है, कड़कड़ वीरता के भाव को समेटे हुए, कड़कड़ वीरता के भाव को समेटे हुए साहस से सराबोर ओज वाला देश है, और कारगिल आज भी सलामी दे रहा है जैसे हिंद मेरा कैप्टन मनोज वाला देश है, कारगिल आज भी सलामी दे रहा है जिसे हिंद मेरा कैप्टन मनोज वाला देश है, टाइगर हिल पर लिए तिरंगा दस दस गोली झेल गया, तोलोलिंग की चोटी पर प्राणों की बाजी खेल गया, जिसके दम से मान मिला है, जिसके दम से मान मिला है भारत की राजधानी को, सौ सौ बार सलामी दूंगा
भारत के सेनानी को जय हिंद जय भारत। जिन दर्शकों ने देर से अपने टीवी सेट्स खोले हैं उनको बता दूं कि इस समय दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं वंस मोर का सीजन 2 और सीजन 2 का पहला एपिसोड। और जिन कवि महोदय को आप सुन रहे थे अभी वो पधारे थे इटावा से और उनका नाम है गौरव चौहान, तो आपको निश्चित रूप से उनकी कविता बहुत पसंद आई होगी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता मेरे जहन में आती है कि चाह नहीं के सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, बचपन में पढ़ी थी और अभी तक मस्तिष्क पर बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से अंकित सी लगती है। चाह नहीं के सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर। कुछ इसी भावना के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आज के वंस मोर के अपने अगले कवि को जो सीतापुर से आए हैं, रजनीश मिश्र जी को, कृपया बता रहे लाल माटी के प्यारे रतन चल दिए कर वतन के हवाले वतन चल दिए दे के अंतिम सलामी चले देश को बस तिरंगे का ओढ़े कफन चल दिए क्या स्थित होती है कि देश के हेतु दुनिया गए छोड़कर और अपने चहेतों से मुख मोड़कर मर मिटे सिर्फ अपने वतन के लिए बोल जय हिंद बंधन सभी तोड़कर बोल जय हिंद बंधन। और सब आप सब देखते होंगे कैसी स्थिति होती होगी जब कोई सैनिक का शव आता है, वो मुक्तक पढ़ता हूँ कि पीर पर्वत हुई आँख नम हो गई, पीर पर्वत हुई आँख नम हो गई, जब जमी से जनाजा उठाया गया उठ पड़ा देश पूरा नमन के लिए, जब चिताओं पे उनको सजाया गया जब चिताओं पे उनको सजाया गया। और ये 15 अगस्त का पर्व है, तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ कि गर्व से लहलहाने तिरंगा लगा कि गर्व से लहलहाने तिरंगा लगा पुत्र के वक्ष पर गोलियां देख कर निज वतन के लिए प्राण प्रण से डटी निज वतन के लिए प्राण प्रण से डटी सरहदों पर खड़ी टोलियां देख कर सरहदों पर खड़ी टोलियां देख कर। कोई वीर की क्या आकांक्षा है, जो सैनिक होता है उसकी क्या इच्छा होती है, वो मुक्तक मैं आपके बीच में गाना चाहता हूं कि फूल माला नहीं चाहिए वीर को, फूल माला नहीं चाहिए वीर को, कोई दुशाला नहीं चाहिए वीर को, बस तिरंगा कफन के लिए चाहिए, बस तिरंगा कफन के लिए चाहिए, कोई शिवाला नहीं चाहिए वीर को, शिवाला नहीं। सबके अंदर कोई ना कोई आकांक्षा, वो मुक्तक पढ़ता हूँ कि भरो हुंकार वैसी स्वप्नवरी का चूर हो जाए, कि भरो हुंकार वैसी स्वप्नवरी का चूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे होश लेके इस कदर चर्चे जहां में हो, तुम्हारे होश लेके इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद लिपटने के लिए मजबूर अच्छा, हो जाए अच्छा। मेरा मन है स्वागत, क्योंकि आज 15 अगस्त का ये पावन पर्व है जी। मेरी इच्छा है वो पढ़ना चाहिए, आप पढ़े, स्वागत है, स्वागत कि जो भारत की आन बान है अंतर मन की थाथी है,
कि जो भारत की आन बान है अंतर्मन की थाती है, जिसको गाकर सुनकर सबकी फूला करती छाती है, जिसका शब्द शब्द चंदन है, अक्षर अक्षर सांसे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब अपनी भारत माँ से है, जिसका अक्षर अक्षर मन को रोमांचित करने वाला, सोए सिंह सपूतों के तन में ज्वाला भरने वाला, जिसको झूम झूम कर आस्था कुल्ला गाया करते थे, जिसको पढ़कर क्रांतिवीर फांसी चढ़ाया करते थे, जिसको पढ़कर क्रांतिवीर फांसी चढ़ाया करते थे, तो संकट प्रसोरित में हुंकार जगाया करती थी, जिसको सुनकर ब्रिटिश हुकूमत भी थर्राया करती थी, जिसको सुनकर ब्रिटिश हुकूमत भी थर्राया करती थी, उसके ही गायन पर देखो कैसा शोर शराबा है, उसके ही गायन पर देखो कैसा शोर शराबा है, जबकि वंदे मातरम का गायन काशी है काबा है, जबकि वंदे मातरम का गायन काशी है काबा है, वंदे मातरम पढ़ा नहीं तो मंदिर जाना व्यर्थ यहाँ, वंदे मातरम पढ़ा नहीं तो दुआ नमाज अनर्थ यहाँ, वंदे मातरम गिरजा घर की घंटी है गुरुद्वारा है, वंदे मातरम भगत सिंह सा प्यारा राज दुलारा है, वंदे मातरम बिस्मिल की वाणी शेखर की भाषा है, वंदे मातरम राष्ट्रवाद की परिचायक परिभाषा है, वंदे मातरम भारत के जनगणमन का उद्घोष है, वंदे मातरम गद्दारों के प्रति जनता का रोष है, वंदे मातरम इसका जो अपमानस है उसका जीना धिक्कार है, इसका जो अपमानस है उसका जीना धिक्कार है, अरे इसको तो गाने का हमको जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको तो गाने का हमको जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर भी इसके गायन पर यह कैसी आपा धाती है, कि फिर भी इसके गायन पर यह कैसी आपा धापी है, वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने वाला पापी है, वंदे मातरम एक बार फिर से बुलंद हो जाने दो, हर हर बम बम वाला गाना सीमाओं पर गाने दो, हर हर बम बम वाला गाना सीमाओं पर गाने दो, क्या बात क्या बात, दिल बोले वंस मोर वंस मोर, शिराएं फड़कने लगी हैं, धमनियों में रक्त का संचार तेज हो गया है, कुछ इस प्रकार की भाव भंगिमा थी और कुछ इस प्रकार का स्वर था और कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां थीं श्री आदरणीय रजनीश मिश्र जी की, जो सीतापुर से बधा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका। तो अब समय है हमारी अगले कवि को बुलाने का, जो कवि नहीं बल्कि कवित्री हैं, लखनऊ की कवित्री हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है, जिनका नाम है वंजना शुक्ला जी। तो मैं चार पंक्तियों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि रंज हावी न हो, मुस्कुराते चलो, राह मुश्किल न हो, गुनगुनाते चलो, फूल या शूल जो भी मिले पंथ में, प्यार से कंठ सबको लगाते चलो। वंजना शुक्ला। जीवन में कोई आदर्श नहीं होता, दुख ही दुख होता पर हर्ष नहीं होता, दुख ही दुख होता पर हर्ष नहीं होता, कहने को तो सब होता पर कुछ भी नहीं, कहने को तो सब होता पर कुछ भी नहीं, अगर ये प्यारा भारत वर्ष नहीं होता, अगर ये प्यारा भारत वर्ष नहीं होता, अगर ये प्यारा भारत वर्ष नहीं होता, गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, मंदिर मस्जिद और यहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद और यहाँ गुरुद्वारा है, जान भी देनी पड़ जाए तो दे देंगे, जान भी देनी पड़ जाए तो दे देंगे, प्राणों से भी हमें तिरंगा प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा जी बहुत अच्छा, प्राणों से भी हमें तिरंगा प्यारा है। ये विशेष पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि रंग बिरंगे फूलों वाला मधुबन है, रंग बिरंगे फूलों वाला मधुबन है, धूल धरा की मत कहना ये चंदन है, धूल धरा की मत कहना ये चंदन है, रघुनंदन का देश है मोहन का, रघुनंदन का देश है मोहन का, वंदन 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 है अभिनंदन है, वंदन 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 है अभिनंदन है। और मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, ये चार पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ।
कि पन्ना पद्मा झांसी वाली रानी हूँ, पन्ना पद्मा झांसी वाली रानी हूँ, मीरा तुलसी के आँखों का पानी हूँ, मीरा तुलसी के आँखों का पानी हूँ। पूरी दुनिया गर्व किया करती मुझ पर, पूरी दुनिया गर्व किया करती मुझ पर, हिंदी हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी हूँ, बहुत बढ़िया, हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा, हिंदी हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। और एक छोटी सी रचना शहीदों को समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जो मातृभूमि के चरणों में अपना सिर चढ़ा दिया करते, जो मातृभूमि के चरणों में अपना सिर चढ़ा दिया करते, प्राणों की आहुति देकर माँ का गौरव बढ़ा दिया करते, प्राणों की आहुति देकर माँ का गौरव बढ़ा दिया करते, मेरी वाणी तो उन्हीं सपूतों का शुभ वंदन करती है, मेरी वाणी तो उन्हीं सपूतों का शुभ वंदन करती है, लेखनी सदा उन अमर शहीदों का अभिनंदन करती है। अपना सिर चढ़ा दिया करते, प्राणों की आहुति देकर माँ का गौरव बढ़ा दिया करते। नारी स्वर में बात कहने की कोशिश की है, प्रथम पंक्तियां नारी को समर्पित करना चाहती हूँ। कि चंदन तन फूलों जैसा मन जब लड़ने को मजबूर हुआ, चंदन तन फूलों जैसा मन जब लड़ने को मजबूर हुआ, 1857 की चमकी शमशीर जवानी में गोरों को पानी पिला दिया उस झांसी वाली रानी ने। ये थी लखनऊ की वरेण्य कवित्री वंजना शुक्ला जी। मित्रों, आज का दिन है देश के उन अमर सपूतों को याद करने का, उन बलिदानियों को याद करने का जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम जो चाहें वो कर सकते हैं और एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं जो अब 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका है। तो वंस मोर के सीज़न 2 के पहली कड़ी के अंतिम कवि जो अवधि के लालित्य को स्वयं साथ लेकर चलते हैं, सीतापुर से हमारे बीच पधारे हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कमलेश मौर्य मृदुल जी को, कृपया पधारें। स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख शुभकामनाएं उनका दे रहे हैं। यह देश की आज़ादी के लिए हजारन जो बलिदानी अपन प्राण ने उछावर कह दिन, ऐसे वे देश की महिमा का बखान करे की कोशिश एक अवधि लोकगीत में कह रहे हैं। स्वागत कि यहू देशवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, भैया देशवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, तो उत्तर मुकुट हिमालय जई के माथे क्यार सिंगार हो, उत्तर मुकुट हिमालय जई के माथे क्यार सिंगार हो, दक्षिण महासागर जई के चरणन का राह पकार, युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, तौ छह ऋतुवन की सुघर व्यवस्था जही का रही सवार हो, छह ऋतुवन की सुघर व्यवस्था जैसा हम बताएं भैया, ये देश बड़ा विलक्षण है, कौनो दुनिया में इस देश नहीं है जहाँ एक दुई से ज्यादा ऋतु होती हुए, यहाँ छह छह ऋतु हैं अपने ही देश में। आप समझो कि अगर गर्मी में हमें जाड़े का आनंद ले खोए तो जम्मू कश्मीर चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, अगर भीषण जोन है वह जाड़े में गर्मी का आनंद हो समुद्र के किनारे कहूँ चले जाओ अपने देश में, और कौनों महीना में आपको बरसात का आनंद ले खोए मेघालय चले जाओ, चेरापूंजी में चले जाओ, कौनों दूसरे देश के बीजा ले के जरूरत नहीं है, ऐसे विलक्षण देश यू है। और कहूँ जाके ना जरूरत है, बहुत भट्टी और भक्त हो तो कहा थे हमका ही है भगवान दर्शन दे, तो अपने दरवाजे पर झंडा डंडा लेके बैठ जाओ, साल भरे के अंदर छप सब ऋतु आपकी देहरी पर शीश नवावे, यही है ऐसी विलक्षण देश है। वा, 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 वा।
कि छह ऋतुअन के सुघर व्यवस्था जहिका रही संवार हो, छह ऋतुअन के सुघर व्यवस्था जहिका रही संवार हो, कल 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 नदियन के धारा करे मंगलाचार, यू देशवा हमका प्राणन से ज्यादा है पिया, भैया देशवा हमका प्राणन से ज्यादा है पियार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है पियार। तौ प्रकृति डोला वही चंवर, प्रकृति डोला वही चंवर बहस पुरवैया सुखद बयार हो, प्रकृति डोला वही चंवर बहस पुरवैया सुखद बयार हो, प्रकृति डोला वही चंवर बहस पुरवैया सुखद बयार हो, और सर सूरज और चंद्रमा जय की आरती रहे उतार, सवाम का प्राणन ते ज्यादा है प्यार। तो राम कृष्ण गौतम गांधी जी जहाँ लीन अवतार हो, राम कृष्ण गौतम गांधी जी जहाँ लीन अवतार हो, प्राणन छावर की ना जादस फाग भगत सरदार, युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, भैया देशवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार। तो जही पर गुरु गोविंद सिंह ने चार पुत्र दियो आर हो, जही पर गुरु गोविंद सिंह ने चार पुत्र दियो आर हो, जही की रक्षा बद चमकी झांसी वाली तलवार, युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, भैया युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार। तो गाँव वेद पुराणो जही की महिमा अपरंपार हो, वेद पुराण बखान जही की महिमा बारंबार हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जही के पहरेदार, युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, भैया ते सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार। वाह, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे हम आपसे यह निवेदन कह रहे हैं, सब जन मिल के करो शहीदन के सपना साकार हो, सब जन मिल के करो शहीदन के सपना साकार हो, जगत गुरु हो भारत जग मा गूंजे जय जयकार, युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार, अरे युद्ध सवा हमका प्राणन ते ज्यादा है प्यार। और आखिर में यहाँ हम चार पंक्तिन से संकल्प ही पढ़ते हुए आज स्वतंत्रता दिवस की फिर से आप सबका शुभकामनाएं दिया चाहिए थे कि बलिदान से प्राप्त हुई या स्वतंत्रता है यही काम की भय नहीं रे भय, बलिदानन से या मिली जो स्वतंत्रता है यही का मिटी भय नहीं रे बे, यही देश का मस्तक ऊंचा रहे यही की गरिमा घटी भय नहीं रे बे, और धरती ही नहीं महातारी हमारी है अंग को कटी बे नहीं दे बे, और हम आज प्रतिज्ञा यही करी बे फिर भारत का बटी बे नहीं रे बे, भारत का घटी बे नहीं। तो ये थे हमारे आज के अंतिम कवि कमलेश मौर्य मृदु जी, जो अवधि की मीठी बोली में अपने लालित्य के साथ बहुत ही सुंदर भाषा में अपने भावों को हम तक पहुंचा रहे थे, जिनकी कविता कानों से होती हुई सीधे हमारे हृदय की अतल गहराइयों की ओर आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी यहाँ पर पधारने के लिए। तो ये हमारा आज का वंस मोर के सीजन 2 की पहली कड़ी थी। आपको कैसी लगी हमें अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए, onceMore.ddup@gmail.com। तो चलते चलते बस इतना ही कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ।
हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इसी भावना के साथ, आजादी के इस पावन पर्व पर, इस संकल्पना के साथ कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में विराजेगा, हमारे वंश मोर्च की पूरी टीम की ओर से, दूरदर्शन के पूरे परिवार की ओर से आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कविगणों का, और पीछे कुछ स्कूली बच्चे बैठे हैं जो सेवन हिल्स स्कूल जाए हैं बाहर से, आप सबका, इन बच्चों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।